हमारे साथ वर्तमान रुझानों पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राजनांदगांव क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे जुड़ चुके हैं। संतोष जी, आपका स्वागत है। रुझान इस समय भाजपा की छत्तीसगढ़ में बढ़त दिखा रहे हैं, इन रुझानों पर आपका भरोसा है या अभी आप इंतजार करना चाहेंगे? भाई अभी रुकिए, इन रुझानों पर बात अभी मत कीजिए। क्या कहते हैं संतोष जी, रुकना चाहेंगे या करना चाहेंगे? बिल्कुल, रुकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत है। और आज छत्तीसगढ़ पूरी ऊंची आवाज के साथ ये बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी तो 15 सीट में थी और ये 65 से ऊपर थे, 68 सीट पे थे। आज कांग्रेस धूल धूसरित हो रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है ऊंचाई को छूने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, इसमें कहीं संदेह नहीं। भाई आप 15 पर क्यों थे, ये सवाल है, और अब फिर से बढ़ क्यों रहे हैं, ये भी सवाल है। आपने कुछ ढंग का काम वाम किया इसलिए बढ़ रहे हैं, या आप कहते हैं भाई इन लोगों ने बहुत खराब काम किया इसलिए आपको मजबूरी में जनता बढ़ा रही है? इसके दो तीन कारण है, उसमें सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि इनका जो मैनिफेस्टो था जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर के झूठे वायदे किए थे, दूसरा इन्होंने जो गंगा जल उठाकर के विश्वास दिलाया था, इन्होंने सौगंध लखाया था, कसम खाई थी कि हम कर्जा माफ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, शराब को बंद करेंगे, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा था, किंतु इन्होंने माफी की बात की थी। और माफ तो हुआ नहीं, बल्कि शराब दुकानें बढ़ गई। माप तो हुआ नहीं, शराब के नाम से सेस जो लिया गया उसमें कहीं कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना काल में शराब के लिए लाइनें लगी रही। एक नहीं, ऐसे अनेक कारण कांग्रेस पार्टी की विफलता के कारण बन रहे हैं। और आज वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और वो बैलेट निकल रहा है और भारतीय जनता पार्टी तेज गति के साथ बढ़ रही है। आने वाले दो तीन घंटे में और परिदृश्य साफ हो जाएगा, कहीं किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। आप कितने मायूस हैं इस रुझान को देखकर? यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सभा सुन लिए, भाजपा ने कई सांसदों को चुनाव लड़वा दिया, गोमती साय को चुनाव लड़वा दिया, विजय बघेल जी को चुनाव लड़वा दिया, रेणुका जी को चुनाव लड़वा दिया। संतोष जी का अफसोस नहीं है, मुझे चुनाव नहीं लड़वाया, इतना बढ़िया रुझान आ रहा है? किसी प्रकार के कहीं अफसोस की बात नहीं। हिमांशु जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हमारे राजनांदगांव क्षेत्र में, बस्तर में, पूरे छत्तीसगढ़ में जो चुनाव लड़े, ये मैं आपको बताऊं, प्रदेश का अध्यक्ष दीपक बैस जी, उसके विरोध में हमने किसको लड़ाया जी? हमारा मंडल अध्यक्ष विनायक गोयल चुनाव लड़ा जी। और आज स्थिति कहां है आप देख लीजिए। तो हमारा एक कार्यकर्ता भी जो है वो बड़े से बड़े कांग्रेस पार्टी के महारथी के साथ टकराने के लिए तैयार रहता है और परिणाम देने वाला होता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान की और वरिष्ठों की जो जो भी उनका निर्णय है वो सिरोधार्य होता है। अरे संजय पांडे जी, आपको बस्तर का भी प्रभारी बनाया गया था, ऐसा तो नहीं कि बस्तर में पसीना आपने ज्यादा बहा लिया इसलिए राजनांदगांव में थोड़ी दिक्कत आ रही है? खुजी में निर्दलीय के संदर्भ में दिख रहा है, खैरागढ़ में यशोदा वर्मा आगे चल रही है, ये आपको बस्तर में उलझाने से राजनांदगांव कहीं फंस तो नहीं गया? मोला मानपुर के अंतर्गत भी इंदर शाह मंडा भी आगे चल रहे हैं, थोड़ा आपके संसदीय क्षेत्र में हालात वैसे नहीं दिख रहे जैसे बाकी इलाके में दिख रहे हैं? हिमांशु जी, राजनांदगांव में 8 सीट है जी, और 8 विधानसभा में हम पिछले समय केवल 1 सीट पर थे राजनांदगांव में जी। थोड़ा देर रुकिए, परिणाम देखिए कि 8 में हम कितना आते हैं जी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 8 में हम बहुमत में रहेंगे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए संतोष पांडे जी, भाई पहले जब 15 साल सरकार थी तो राजनांदगांव का सिक्का चलता था, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र का सिक्का चलता था, इस बार सरकार बनने के हालात बन रहे हैं ऐसा आप रुझान के आधार पर उम्मीद कर रहे हैं, राजनांदगांव की अहमियत के संदर्भ में क्या उम्मीद करें? वैसी पूछपरख रहेगी या इस बार किसी और इलाके की पूछपरख की उम्मीद करें?
राजनांदगांव भी जो है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही आता है, और जो 90 विधानसभा है, 11 लोकसभा है, वो भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही है। जो भी बनेगा वो उत्तर प्रदेश का नहीं बनेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भैया वो इस इरादे तो सब भारत का ही है, तो आप तो भारत के संदर्भ में ज्यादा आकर्षण रखते हैं, कहाँ प्रदेशों की राजनीति में फंस रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का होगा या नहीं होगा। पर हमने तो राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र की अहमियत को लेकर पूछा। छत्तीसगढ़ का ही व्यक्ति होगा, हमारा विधायक होगा जो यहाँ का नेतृत्व करेगा। हिमांशु जी, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। किसको बहुत बड़ा आदमी बना रहे हैं, वो भी चौधरी 8000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मैं स्वयं गया था रायगढ़ में और 8 विधानसभा मैंने वहां देखा है। सेकंड फेज के चुनाव में ओपी चौधरी है, पत्थलगांव है, पत्थलगांव से हमारे और कुनकुरी से और जसपुर से हमारा रायगढ़ और सारंगढ़ का भी मैं थोड़ा सा भी देख रहा था। ये अपने खरसिया का छोड़ दे, बाकी वहां भी हम जो 8 सीटें हैं उसमें भी हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। और ओपी चौधरी अच्छे स्थान को प्राप्त कर रहा है, 7-8 हजार वोटों से वो आगे चल रहे हैं और बहुत अच्छी जीत उनको हासिल हो। अच्छा एक बात बताइए कि चरणदास महंत जी की तो आप सब लोग भी बड़ी तारीफ करते थे, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, 2200 मतों से पीछे चल रहे हैं, क्या कहेंगे इस अंदर? चरणदास जी महंत को तो पीछे चलना ही था। जब चरणदास महंत जी चुनाव प्रचार में भी गए, जैसे ही उन्होंने शुरुआत जी, किसके पीछे चलना था संतोष पांडे जी उनका जी? सर आपने कहा चरणदास महंत जी को तो पीछे ही चलना था, किसके पीछे चलना था? नहीं नहीं, मैं आपको यह बता रहा था कि जब उन्होंने शुरुआत किया चुनाव प्रचार का, तो शुरुआत में ही जो विरोध और जिस प्रकार से उनके कार्यकर्ताओं का जो आपको जानकारी होगा जो ध्यान में आया, वहीं से उनको लगने लगा था। और उसके बाद से ही मैंने जो सुना है कि चरणदास महंत और जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख 3-4-5 जो यहाँ के लीडर हैं, फिर उन्होंने तय किया कि मामला गड़बड़ है प्रदेश में, कुछ ना कुछ घोषणाएं पहले करनी चाहिए। तो घोषणा पत्र बाद में आया और महंत जी और भूपेश जी और ये सब मिल करके, और फिर भूपेश जी ने अपने भाषणों में एक एक दो दो ऐसी घोषणाएं शुरू कर दी। तो इस प्रकार से इनको आभास तो हो चुका था। और चरणदास जी महंत जी इस समय पीछे होंगे, वहां से हमारा कैंडिडेट इस समय चुनाव जीतेगा। इसी प्रकार से कोरबा इस समय पर रुझान मेरे पास मध्य प्रदेश का भी है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र हैं, भाजपा 155 पे आगे चल रही है और कांग्रेस 74 पर। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया वहां पर, वहां के सारे नेता बोल रहे हैं अब फैसला होगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। 230 में से 155 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? माननीय, मैं आपके चैनल से मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की आज से नहीं, उसकी जो नीति रीति और जो सिद्धांत रहा है, ये सब मिलकर के निर्णय लेने का, सार्वजनिक निर्णय लेने का, और जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसमें ही वो निर्णय होगा। विधायक लोग सब प्रकार से सबका मंतव्य और मीटिंग के बाद हमारे हाईकमान शिवराज सिंह चौहान 3.5 साल से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, लाडली बहना जैसी करिश्मा योजना दे रहे हैं, उससे पहले भी तकरीबन 13 साल मुख्यमंत्री के तौर पर काम किए हैं, 230 में से 155 सीटों पर भाजपा आगे, फिर भी शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसे किसी विचार के साथ आप नहीं है? शिवराज सिंह चौहान का कोई सानी नहीं है। शिवराज सिंह जी चौहान ने लाडली बहना के साथ साथ किसानों के लिए, युवाओं के लिए, और जिस प्रकार से आदिवासियों के लिए जो उन्होंने काम किया है, वो तो हिंदुस्तान में एक बड़ी लकीर उन्होंने खींचा है। और जहां तक बात आप कह रहे हैं कि शिवराज जी है हमारे यहाँ, और ऐसे अनेक लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी में, लीडरों की कमी नहीं है।
मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा, जैसे मैंने कहा ना कि हमारा एक कार्यकर्ता को भी एक प्रदेश अध्यक्ष से लड़ा दिए, तो वो ऐसा टक्कर लेता है कि आज उनको पानी पिला दिया। और ठीक उसी प्रकार से हमारे यहाँ प्रतिभा है भारतीय जनता पार्टी में, कार्यकर्ता और नेतृत्व निर्माण करने की जो पद्धति है उसमें ऐसे भारतीय जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता है, किंतु शिवराज सिंह जी का कोई जवाब नहीं। जो निर्णय लेंगे वो हाईकमान लेंगे। रोकूंगा क्योंकि मेरे पास में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। जिस बस्तर क्षेत्र के आप प्रभारी हैं वहां के कुछ रुझान मेरे पास हैं। बीजापुर में आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद भी विक्रम मंडावी महेश गागड़ा को पीछे किए हुए हैं। दो राउंड के बाद विक्रम मंडावी 1219 वोटों से आगे है। भानु प्रतापपुर में सावित्री मंडावी जो उपचुनाव में विधायक बनी थी उनके प्रति जनता का भरोसा बना हुआ है, वो 7251 मतों से आगे है। पर कोंडा गांव में लता ओसंडी ने मोहन मरकाम को पीछे किया है मात्र 79 वोटों से। वहीं कोंटा में मनीष कुंजाम इस समय 986 वोटों से आगे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, मूलतः कम्युनिस्ट पार्टी से। पर बहुत बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है जहां चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक और दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह प्रियंका मीणा के मुकाबले पीछे हो गए। भाजपा को यहां बगावत का सामना करना पड़ा है। ममता मीणा जो कभी भाजपा से यहां विधायक चुनी गई थी वर्तमान में आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं, इसके बावजूद भी प्रियंका मीणा लक्ष्मण सिंह को पीछे कर दिए। कवर्धा से भाजपा को चौंकाने वाली खबर है क्योंकि विजय शर्मा भाजपा के प्रदेश महामंत्री 2887 वोटों से आगे है। पर अच्छी खबरों के बीच भाजपा के लिए एक बुरी खबर यह है कि जांजगीर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप से 177 वोटों से पीछे है। मैं संतोष जी आपसे आखिरी दौर की बातचीत करना चाहता हूं। ये महेश गागड़ा जैसा बड़ा नेता उसको आप इस बार भी नहीं जिता पा रहे, क्या हो गया? अभी गणना की शुरुआत है। मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और जैसा आपने कोंडा गांव का कहा, कोंडा गांव में मात्र 89 वोट से आगे हैं, तो यह भी वोट बहुत कम होता है। वो तो अभी कई दौर बाकी है। आपने भानु प्रतापपुर की भी बात कही, तो अभी बस्तर में हमारा जो अंदाज है 12 सीट में हम कम से कम 10 सीटों में जीत हासिल करेंगे। ये हम अपने दौरा प्रवास कार्यक्रम जो हमने मेहनत किया है, हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत किया है उसमें हमारा अंदाज है। एक मिनट बात बताओ, इन रुझानों में जिसमें अभी आप कांटे के मुकाबले में उसमें अपनी सरकार बनाना तय मान रहे हो और महेश गागड़ा 1200 मतों से पीछे चल रहे हैं तो बोल रहे हो कि ये अभी जल्दबाजी है, तो भाई आप अपनी सरकार बनाने के संदर्भ में भरोसा कर रहे हो कांटे की लड़ाई में और 1200 मतों से पीछे होने के बाद भी कह रहे हो कि ये जल्दबाजी है? दोनों बातें कैसे कह लेते हो साहब आप? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ माननीय हिमांशु जी, मैं सरगुजा के विषय में पूछते तो मैं एक बार कहता कि मुझे जानकारी नहीं है जी, किंतु आप मुझे बस्तर के विषय में और बीजापुर के विषय में पूछ रहे हैं। आपने कोंडा गांव भानु प्रतापपुर की बात कही, एक बार मैं आपको भानु प्रतापपुर के लिए ये जिद नहीं करूंगा, किंतु मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो कोंडा गांव है उसमें हम कवर करेंगे, हम कोंटा में कवर करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो बीजापुर में उम्मीद छोड़ दी आपने? अब बीजापुर की बात भी मैं कह रहा हूँ कि अभी दौर बाकी है और हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो बीजापुर में भी आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ में संतोष जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।